हेलो गाइस, जैन कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक बगल मैथ्स में। दोस्तों, जीरो टू हीरो मैथ्स टाइप बाई सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आपके लिए नया चैप्टर टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं। दोस्तों तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में ओके दोस्तों कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ओके दोस्तों, ए ये बी ओके दोस्तों, ये कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों 96 दिनों में, बी 104 दिनों में ओके दोस्तों। तो दोस्तों टाइम का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, 8 से जा रहे हैं दोनों, 12/13 दोस्तों ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। दोस्तों इफिशियंसी या कैपेसिटी या कार्य क्षमता, ये कार्य एक दिन में कार्य किया है वो कैपेसिटी होती है दोस्तों। तो इसका कैपेसिटी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा होता है एफिशिएंसी 13/12 ओके दोस्तों। दोस्तों टोटल टाइम क्या होगा दोस्तों, सॉरी टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, 13/96 दोस्तों टाइम और एफिशिएंसी का गुणन फली तो टोटल टाइम होता है दोस्तों। चाहे इसे सॉल्व कर लो चाहे दोस्तों इसे सॉल्व कर लो, बात एक ही है दोस्तों। ये आ गया आपका टोटल वर्क, क्या कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, ए प्लस बी 13/96 ओके दोस्तों, 13 और 12 कैपेसिटी कितनी होगी 25 होगी दोस्तों ओके दोस्तों, ये आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों 25 है, 25 से पूरा भाग नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या रहेगा, इसे 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, ऊपर की 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, 13/52 दोस्तों, नीचे 100 हो गए आपका, बहुत ईजी हो गया दोस्तों। इसका आप मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 49/92 ओके दोस्तों, 49/92 दोस्तों, 00 दो संख्या बाद पॉइंट दोस्तों 49/92 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ओके दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन टू, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है, साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, दोस्तों ए लैंग्वेज बेस्ड है दोस्तों, भाषा क्या कह रही है कहते जाओ करते जाओ दोस्तों, ए ओके ए कार्य के 1/4 दोस्तों, 1/4 कार्य को कितने दिनों में, 9 दिन में, एक ही वैल्यू 9 4 की टोटल नाम एक दिन में मतलब 36 बी है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग, बी कार्य के 2/3 भाग कितने दिनों दोस्तों, 28 दिनों, 2/28 एक की 14 14 की 48 ओके दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 252 ओके दोस्तों। आप लोगों कैसे होगा दोस्तों दिखाता हूँ, 36 46 छः मिल रहा है दोस्तों, छः मिल रहा है ना, 6 से 6 6 से 7 इनका कितना होगा, 6 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
इसकी कैपेसिटी जितना बाकी खेलेंगे कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा, और बी की कैपेसिटी दोस्तों कितना आएगी, 6 आएगी। ओके दोस्तों, दोस्तों क्या कह रहा है, ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क ही होता है, ये क्या होती है एफिशिएंसी। ओके दोस्तों, तो 252 कार्य को ए प्लस बी करेंगे कैपेसिटी 13 से। ओके दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा डायरेक्ट रखा है तो यही डे आएंगे डे। ओके दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 8 घंटे में 1000 यूनिट उत्पन्न कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मान लो कुछ ही मान लो 1000 यूनिट उत्पन्न कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1000 यूनिट उत्पन्न कर सकती है। बोलो दोस्तों, तो दोस्तों मशीन ए दोस्तों 3 घंटे का है और बी 8 घंटे का। ओके दोस्तों, एलसीएम टोटल वर्क 24 और 24
ओके दोस्तों, ए और बी दोस्तों काम कितना है दोस्तों क्वेश्चन में ढंग के साथ बहुत ध्यान देने की बात है। इसमें घुमाया गया है 1000 यूनिट, ये नियत है ना, इसका सवाल में कोई रोल नहीं है। काम कितना है दोस्तों, टोटल वर्क 24 है ना, दोनों की कितना है 8 और 3 11 घंटों में घंटे आवर। ओके दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सी राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक लड़का अकेले 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। ओके दोस्तों, दोस्तों लड़का बॉय यानी बी और लड़की यानी गर्ल जी, ओके मिलकर एक काम को 12 दिनों में, ओके दोस्तों 12 दिनों में, एक लड़का अकेला कितने काम यानी कि बॉय 15 दिनों में। दोस्तों इसका एलसीएम, एलसीएम टोटल वर्क 60 12 60 15। दोस्तों दोनों की कैपेसिटी 5 है और लड़के की कैपेसिटी 4 है, लड़के की कैपेसिटी 4 है तो लड़की की कितनी बची दोस्तों, एक 5 में से 4 रहेगी तो दोस्तों लड़की की कैपेसिटी 1 हो गई। क्या कह रहा है, एक लड़की अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी, टोटल वर्क कितना है दोस्तों 60 बटे 1 डेज, यानी कि 60 दिन में लड़की पूरा काम अकेले कर देगी 60 इंच। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 20% भाग, ओके दोस्तों 20% भाग 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। साफ साफ करते हैं दोस्तों, ए और बी है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 30% भाग, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, कितने दिन दोस्तों 6 दिन। दोस्तों तीन की वैल्यू 6, एक की 2, ओके 10 का मिलकर 20 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 25 दिन में, दोस्तों बी अकेले 25 दिन में कर सकते हैं। ओके दोस्तों टोटल वर्क एलसीएम होगा इनका 100 हो जाएगा 100, 20 × 100 = 25 × 100। ओके दोस्तों बी की कैपेसिटी 4 है, बी की कैपेसिटी 4 है ओके, और दोनों की 5 है तो एक ही कितनी होगी दोस्तों 1 होगी। ओके दोस्तों तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी काम को अकेले पूरा करने में एक को कितने दिन लगेंगे, एक करेगा 100 काम को एक की कैपेसिटी से तो कितने दिन दोस्तों 100 डे लगेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ओके धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ओके।